फेफड़ों में हवा भर लो, क्योंकि हंसते हंसते सारी हवा निकल जाएगी मिस्ट्री कैमरा को देख के। मिस्ट्री का कैमरा। मुंबई में एक बच्चा अपनी बिल्ली के साथ हैंग आउट कर रहा था बालकनी में। पता नहीं उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो अचानक से रेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ने लग गया। इस बच्चे की हरकत देख के बिल्ली मौसी घबरा गई और वो उस बच्चे का हाथ रेलिंग से छुड़वाने लग गई। पर वो बच्चा भी एक नंबर का जिद्दी, वो फिर भी बिल्ली मौसी से थोड़ा दूर जाके वही सेम चीज करने लग गया बार बार। पर अपनी बिल्ली मौसी भी कम जिद्दी थोड़ी ना है, वो भी उसके पीछे पीछे पहुँच गयी उस रेलिंग के पास और बच्चे को रोकने लग गई। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और आखिरकार बच्चे ने हार मान ली और वो चला गया। अब हम जानवर लोग होते ही इतने प्यारे हैं, अपने बच्चों और इंसानों के बच्चों को बराबर प्यार देते हैं। टोरंटो में दो दोस्तों के बीच में बहस हो गई इस बात पे कि उन दोनों में से कंस्ट्रक्शन वाली क्रेन गाड़ी को बेहतर कौन चलाना जानता है। डिसाइड करने के लिए उनमें से बेहतर कौन है एक टास्क रख दिया, जो भी अपने क्रेन से जमीन पे रखे हुए आईफोन को ऑन कर देगा वो बेटर ड्राइवर है। पहले वाले ने तो ये सुन के ही हार मान ली, वो एक शर्त के पीछे अपना आईफोन नहीं खोना चाहता था, पर दूसरे वाले को अपनी ड्राइविंग पे भरोसा था और क्रेन लेके वो आईफोन की ओर निकल पड़ा। सरप्राइजिंग तो ये था कि उसने अपनी क्रेन को प्यार से उठा के सच में आईफोन को ऑन करके दिखा दिया और चैलेंज जीत गया। वाह बेटे, तुम तो हैवी ड्राइवर निकले। चाइना में एक लड़की मूवी हॉल से फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के निकली थी। वो मूवी देख के इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई थी कि उसने सोच लिया था कि वो आज तो कुछ तूफानी करके रहेगी। वो अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी लगाई उसने गियर पे। उसको लगा कि गाड़ी फर्स्ट गियर पे है, पर उसने गाड़ी को रिवर्स गियर पे लगा दिया था। फिर उसने पूरे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले जोश में पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और कुछ ही मिनटों में गाड़ी रोड पे भागने की जगह हवा में लटकी रह गई। उस लड़की की जान और कार दोनों ही अटक गई। फिर क्रेन की मदद लेके उसने अपनी गाड़ी निकलवाई। अरे बहन, मूवी देखने से अगर टैलेंट आ जाता तो हम सभी फॉर्मूला 1 के ड्राइवर होते ना। देखो यारो, अगर आप कोई ऊटपटांग हरकत करोगे और वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा तो वो डेफिनेटली मिस्ट्री कैमरे में आ जाएगा। तो इसलिए अपने हाथ पे हाथ रख के मत बैठो यार, कुछ ऊटपटांग कर लो। बाय बाय।